एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अनाहिता। आज मैं आप लोगों को ये वेडिंग गेस्ट आई मेकअप लुक अचीव करके दिखाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आईब्रो को फिल करने के लिए आप पाउडर पेंसिल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ टॉप्स की ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और यकीन मानिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल नेचुरल सी लुक लगती है इसकी। ये आप देख सकते हैं मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग कर्ल ऑन स्टिक, थ्री पिन स्टिक। ये मैं एज अ कंसीलर एंगल ब्रश के साथ इसे अप्लाई कर रही हूँ आईब्रो को अपने नीट करने के लिए। आप इसके लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि आपने उसके बाद कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर लाजमी इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि आप कोई भी आई शेड जब अप्लाई करेंगे तो उसका कलर बेस में मिक्स नहीं होगा। यहाँ मैं एलेगर की फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे और इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं टैप टैप मोशन में ब्लेंड कर दूँगी। रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है, इसे टैप मोशन में आपने ब्लेंड कर देना है। नेक्स्ट मैंने स्टेज लाइन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ एसली का ये ब्राउन शेड एंगल ब्रश की हेल्प से मैं अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले आपने एक लाइन क्रिएट करनी है, फिर उसे आपने फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड आउट कर देना है। ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, इससे आपकी आई मेकअप में ग्रेस आएगी। सर्कुलर मोशन में आप कर सकते हैं इसे ब्लेंडिंग। मैंने थोड़ा सा और अप्लाई किया है इसे टैप देने के लिए और नेक्स्ट मैं फिर इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूंगी। स्टार्ट में जो मैंने आपको दो शेड दिखाए, ये ब्राउन और जो लाट था डार्क मेहरून टाइप था, नेक्स्ट मैंने वो अप्लाई किया है। इसे भी अपनी क्रीज पे अप्लाई किया है। इसे थोड़ा मैं डार्क रखूँगी। ये आप देख सकते हैं एंगल ब्रश की हेल्प से मैंने अपनी क्रीज पे अप्लाई किया है और फ्लैट फ्लफी ब्रश है ये। MSQ के ब्रशेस मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं। इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इनकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे ये ब्रशेस हैं। ब्लेंड का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। ये ऑनलाइन मैंने बाई किए थे। देन मैं अपने क्रीज को कट कर रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से। यहाँ भी मैंने क्रेलोन की स्टिक यूज़ की है। क्रीज लाइन होती है, मिस रोज की आई शेडो पैलेट से मैंने ये कलर लिया है। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन फिंगर की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। फिंगर से जो ब्लेंडिंग होती है ना, वो बहुत कमाल की होती है। मिस रोज की पैलेट में आपको 48 कलर्स मिल जाएंगे। इसमें मैट भी आते हैं और शाइनी भी आते हैं। आप दोनों परचेज कर सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये आपको मिलेगी। नाउ आई एम टेकिंग दिस शेड एजली पैलेट से मैंने ये ब्लैक शेड लिया और अपने वी कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर जो हमारा होता है, वहाँ मैंने अप्लाई किया है। पहले मैंने स्मॉल ब्रश से इसे अप्लाई किया है, देन इसे फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर दिया अच्छे से। अपनी ब्रो बोन को मैं हाईलाइट करूँगी यहाँ पे। ये भी मैंने मिस रोज की पैलेट से शेड लिया है। आई लैशेज मैंने लोकल ब्रांड से बाई की है, मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। ऑफ कैमरा मैंने अप्लाई कर लिया था। लाइनर मैं क्लेजोना का यूज़ कर रही हूँ।
Now I'm taking this brown shade. एक स्मॉल साइज ब्रश से मैं इसे ब्राउन और ब्लैक मिक्स करके मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे। क्लोसल काजल मैंने यूज़ किया है मेबेलिन का। फाइनली आई एम रेडी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, ताकि मैं मज़ीद ऐसी आप लोगों को वीडियोस दे सकूं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।